just got our parcel. This is from Flipkart. गाइस हमें हमारा पार्सल मिल गया है. आई थिंक इसे मैंने 31st या 30th को मंगवाया था जान में, और ये अभी आ रहा है 5th फेब है आज संडे. मुझे पता है इसमें क्या है. एक्चुअली इसमें रिंग लाइट है जो कि मैंने ऑर्डर की थी अपने वीडियोस को यू नो बेटर बनाने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि लाइटिंग बहुत ज़रूरी है वीडियो शूट करने के लिए, और मुझे ना टाइम नहीं मिल पाता है दिन भर में शूट करने को, क्योंकि दिन भर अच्छी लाइट होती है पर मैं नहीं होती हूँ, ऑफिस जाना पड़ता है इसलिए. तो मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी है रिंग लाइट में. चलो अनबॉक्सिंग करते हैं. दिस इज माई रिंग लाइट और ये डिजिटेक से है. पता नहीं कैसी होगी, देखते हैं खोल के. मैंने दिस इज माई फर्स्ट टाइम जो जब मैंने भी रिंग लाइट खरीदा है या कोई लाइट्स में इन्वेस्ट किया है. और यहाँ ट्राईपॉड मेरे पास है ऑलरेडी, इसके साथ भी दिया है ऐसे, और एक मिनी ट्राईपॉड भी है. आई थिंक आई एम जस्ट होपिंग कि रिंग लाइट की क्वालिटी अच्छी हो. शायद इसके बारे में बहुत सारे रिव्यूज सुने थे मैंने डिजिटेक के रिंग लाइट को लेके, इसीलिए मैंने इन्वेस्ट किया इसी में. अदरवाइज बहुत ज़्यादा सस्ते में भी मिल रहे थे, पर मेरा था कि एक बार इन्वेस्टमेंट हो जाएगी तो अच्छे ही क्वालिटी के ब्रांड में इन्वेस्ट करें. ये सिर्फ इसलिए आए थे ताकि ये ज्यादा चीजें अंदर की हिले नहीं, तो फिटिंग के लिए डाला था. हेड भी रख देते हैं. कुछ ज्यादा ही हल्की नहीं है ये. इसे यहाँ पे फिट करना है. यस कुछ ज्यादा ही हाइट नहीं बन जाएगी इसकी, ये बेंड हो जाता है. ओके 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 गुड वन. तो ये ऐसे बैठ जाता है. इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल है ये, इसकी जरूरत नहीं है. कूल स्टफ. इसको कैसे करते हैं, ये उल्टा क्यों हो रखा है. कूल स्टफ गाइस, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं इसको कैसे खोलता है. मैंने बोला था इसकी कोई जरूरत नहीं है, बट मुझे लग रहा है अभी इसकी जरूरत है बोल के. फाइव फिट का स्टैंड है ये, इसको यूज करके देखते हैं कुछ होता है. ओके हो गया, हम लोग तो है ही स्मार्ट. चलो, और बहुत अच्छा खासा स्टर्डी लग रहा है ना ये स्टैंड. ऐसा नहीं है कि बस इसके साथ में मिला है तो क्वालिटी अच्छी नहीं है, देख के तो भी अच्छा लग रहा है. देखते हैं हम लोग यूज करके भी देखेंगे इसको, पता नहीं. ये 5 फीट का है ऐसा इनका कहना है. नहीं बस यहाँ पे
कैप था उसको हटा दिया मैंने, इसके ऊपर ट्राइपॉड के, और ये यहाँ पे फिक्स हो गया और बहुत आसान है, मैंने सेटअप कर लिया है। लेकिन अभी हमें इसको चेक करना है, तो उसके लिए आई थिंक हमें दूसरे रूम में जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कोई प्लग ऐसा कुछ है नहीं। ओ अच्छा, मतलब इसको चार्जर के ही प्लग में लगा सकते हैं हम लोग, ऐसा है इसका पिन, ठीक है। ओह तो मैंने इसे ऐसे सेटअप किया है, मतलब ऐसा चार्जर का हमें क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, इसको ये कनेक्ट करना पड़ता है इसके साथ में, और मैंने इसे, और यहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं रिंग लाइट को, और ये हमारे घर का सबसे अंधेरे वाला एरिया है, सिर्फ यही है इसीलिए, और हमारे घर का सबसे अंधेरे वाला एरिया यही है इसीलिए इसे यहाँ पे टेस्ट करेंगे। जब हम लोग इसका प्लग बटन ऑन करते हैं तो ये ऐसे लाइट चल जाती है इसमें, और जब हम लोग इसको प्रेस करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा, ओके। और इससे हम लोग इसकी ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, इससे लो कर सकते हैं माइनस के ये पे, और अगर हम लोग चाहते हैं इसमें लाइट्स का शेड चेंज कर दें तो सेम इसको दबा सकते हैं हम लोग, ओके। आप देख सकते हो, अभी मैं दिखाती हूँ आपको इसकी ब्राइटनेस कम करके, ओके। अभी बढ़ाएंगे, आई फील इससे ज्यादा नहीं होगा, थिंक। और इसको बंद करने के बाद, इसको शुरू करने के बाद आई थिंक बेटर है, मतलब ये 14 इंच की है गाइज, इससे बड़ी भी मिलती है 18 इंचेस की, मैंने 14 की ली है, सो अब देख सकते हो यहाँ से भी अच्छी है, और आई थिंक उससे ज़्यादा ही अच्छी होगी, पर ऑब्वियसली हम लोग नाइट में अगर शूट करेंगे तब शूट करने के लिए मैंने उसे ख़रीदा है। इससे बड़ी भी मिलती है मैंने बताया शायद, तो आप चाहे आप अपने नीड के हिसाब से, या पहले तो आप, मैंने क्या किया पता है, मैं चाहती थी कि 18 इंचेस का ख़रीदूँ, पर मुझे लगा कि पहले 14 का ट्राई करते हैं, अगर ये अच्छा हुआ तो एक और ख़रीद लेंगे, इसके डबल प्राइस में शायद है वो 18 इंचेस का, और आई थिंक यस। इस वक्त आप लोग मेरे ट्राइपॉड पे, मिनी ट्राइपॉड पे हैं, यस yes, मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया, विच इज़ गुड थिंग यार, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट परचेज, या हमें जो फ्री में गिफ्ट में लाया ना उसके साथ में, आई थिंक दिस इज़ गुड वन। और इससे मेरे हाथ ज़्यादा दुखेंगे नहीं ऐसे पकड़ के, और मैं इतना दूर तक भी पकड़ सकती हूँ, और पता नहीं कहाँ पे रखूँगी, जगह तो है ही नहीं रखने के लिए, लेकिन स्टिल आई कैन कीप यू ऑल, ऐसे भी कहीं पे भी रख भी सकती हूँ मैं, मतलब मुझे ऐसा कुछ इसको किसी चीज़ को टिका के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे भी रख सकते हैं हम।